अनुदान मांगों में दिखलाए गए खर्च को कम करने के लिए या राशि में कटौती करने के लिए सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उन्हें कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारंभ करने का एक साधन है। इससे कटौती प्रस्तावों में वर्णित पहलुओं पर सभा का ध्यान आकृष्ट होता है। कटौती प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं और यदि वे स्वीकृत हो जाए तो इसका अर्थ होता है सरकार की निंदा। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना पड़ता है कि क्या उसका बना रहना उचित होगा। कटौती प्रस्ताव को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे प्रभावी कटौती प्रस्ताव नीति का असमर्थन संबंधी कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। इसमें निहित अर्थ यह होता है कि प्रस्तावक मांग के मूल नीति का समर्थन नहीं करता है। ऐसे कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाला सदस्य स्पष्टतः शब्दों में उस नीति का ब्यौरा देता है जिस पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता है। दूसरा मितव्ययता कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। इसका उद्देश्य व्यय में मितव्ययता लाने की दृष्टि से मांग की राशि में उल्लिखित राशि कम करना होता है। तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है जिसे कटौती प्रस्ताव के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त करना होता है जिसके लिए सरकार उत्तरदायी हो। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 10 रुपये की कमी की जाए। कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं। इसका संबंध केवल एक मांग से होना चाहिए। इसमें कानूनों में संशोधन अथवा उसे समाप्त करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाने चाहिए। इसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होना चाहिए जो संचित निधि पर प्रभारित हो। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। संसदीय परंपरा यह है कि किसी भी विषय पर अध्यक्ष के कार्यों का अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विषयों पर चर्चा करने वाली कटौती प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।